हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब आशीष राठी। और जैसे कि आप टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे कि हम किस विषय पे बात करने वाले मैं 100-200 बॉल एट ए टाइम प्रैक्टिस बैटिंग प्रैक्टिस क्यों लेता हूँ गाइस, उसके पीछे का कारण क्या है। ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया इतने सारे बॉल सरप्राइज हो जाते हैं, इतने सारे बॉल जो भी यंगस्टर्स है जो देखते हैं उनको लगता है कि कितने ढेर सारे बॉल है मेरे पास। गाइज, अगर आपके पास एज अ बैट्समैन बॉल्स नहीं है तो ये आपकी गलती है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लेदर के बॉल रख सकते हो। मैं भी 200 बॉल लेदर के नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैं प्लास्टिक बॉल से कर रहा हूँ। लेदर के भी पर क्वांटिटी में ही रहते हैं, हाई क्वांटिटी में ही रहते हैं, पर इतने नहीं ले सकते क्योंकि लेदर के बॉल महंगे रहते हैं। प्लास्टिक के बॉल, ये 50 ग्राम के प्लास्टिक के बॉल है, ये सस्ते रहते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकता हूँ। इसके बेनिफिट्स का भी वीडियो बनाया था मैंने कि क्या क्या है, रिव्यू भी बनाया था मैंने, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। पर ये मैं क्यों लेता हूँ, इतने सारे बॉल क्यों रहने चाहिए एज अ बैट्समैन? तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, आपका जो समय है बहुत मूल्यवान है। एज अ क्रिकेटर आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 60 साल की उम्र में क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको यंग एज में ही क्रिकेट खेलना पड़ेगा। 60 साल में आप क्रिकेट प्लेयर के तौर पे नहीं डेवलप हो सकते। और 18 से जो 36 की एज रहती है एक बेसिक एज रहती है जिसमें अपने को सब चीज़ें करनी है, सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना है, उसमें पढ़ाई भी करनी है, उसमें जॉब भी करना है, उसमें पैसे भी कमाने हैं, उसमें घर भी बसाना है, हर चीज़ करनी है वही एज में। तो उसमें आपका समय और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपका माइंड का स्टेबिलिटी जो रहना चाहिए वो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इफ़िशेंटली प्रैक्टिस करना वो भी और मेहनत और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको समय बचाना है, 24 घंटे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करने हैं। बॉल्स ज़्यादा क्वांटिटी में रहे तो फ़ायदा क्या होता है कि एज अ बैट्समैन आपको लंबा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा बॉल्स खेलने हैं, नॉक करने हैं, ज़्यादा बॉल को हिट करना है। जैसे कि आपने एक वीडियो देखा था मैंने डाला था, संजय मांजरेकर सर ने स्टीव स्मिथ के बारे में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा बॉल्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा, वो भी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो, वो बहुत ज़्यादा बॉल हिट करते हैं, बहुत, मतलब दिन के एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि 500 बॉल आपने खेलने को ही होना। तो नॉकिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि नेट्स में 10 मिनट के बैटिंग में आपका गेम इंप्रूव होगा। तो ये आपकी गलतफहमी है जो कि मेरी गलतफहमी थी। इनिशियल स्टेज में मुझे लगता था कि नेट की बैटिंग की तो मैंने प्रैक्टिस कर ली, नहीं गाइस, नेट की प्रैक्टिस नहीं भी की तो भी चलता है। तो मैं लेटर ऑन मेरे जो करियर के लेटर ऑन स्टेजेस में जो मैं अभी लास्ट 3-4 साल से 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नेट्स की प्रैक्टिस के बजाय नॉकिंग में बिलीव कर रहा हूँ। और उससे मेरा गेम आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी इनिंग्स डाले हैं मेरे, तो आप देख सकते हो कि मेरा क्या लेवल पे गेम है। और मुझे खुद फील हो जाता है कि वो फ़ायदा इसका है। आपने सचिन तेंदुलकर का भी सुना होगा, 2011 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने पूरे वर्ल्ड कप में नेट्स में बैटिंग नहीं की, सिर्फ नॉकिंग की। सिर्फ गैरी कस्टन उनको थ्रो डाउन करते थे, फिर वो बॉलर जमाते थे, थ्रो डाउन करते थे, स्पिनर बॉलिंग स्पिन डालते थे थ्रो डाउन टाइप, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने नॉकिंग की, नेट्स में बैटिंग की नहीं पूरे टाइम। तो गाइस, ये आपकी गलत फहमी है। बहुत लड़कों को नेट्स में बैटिंग नहीं मिलती एज ए यंगस्टर, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ कि नेट्स में बैटिंग नहीं मिलती है तो निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, वहाँ गेम एक लिमिटेड लेवल तक डेवलप होता है, पर अगर आप बॉलर जमा सकते हो, बॉल डालने वाले जमा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर सकते हो तो वही आपका असली गेम डेवलप होगा। आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, कैसे आगे वाला करवाता है, ये बहुत मायने रखता है इसमें। तो इससे बहुत तरीके की प्रैक्टिस हो सकती है प्लास्टिक बॉल से। ये जो मैं इतने सारे यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिक बॉल, रबर बॉल भी हाई क्वांटिटी में यूज़ करता हूँ। फिलहाल मैं रबर बॉल लाया नहीं हूँ घर से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, आपको इंस्टिंक्ट डेवलप करना है। क्या होता है गाइस, जब आप ज़्यादा बॉल से प्रैक्टिस करते हो उसका रीज़न क्या है कि आपकी मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेशर आता है आपको मैच में, अगर कोई शॉट आपका है और आप मैच में प्रेशर आ रहा है और फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो वो उसका रीज़न क्या है। एक प्रेशर, माइंड बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, और दूसरी बात कि आपका वो जो शॉट है वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं बन चुका है,
वो ऐसा बन जाने को ना, जैसे कोई रेंज रहती है, कोई बैट्समैन की रेंज रहती है कि वो कवर्स के ऊपर से मार ही देगा, कोई स्ट्रेट मार ही देगा, कोई मिड विकेट के ऊपर से मार ही देगा, तो वो जो रेंज है, वो बॉल है, वो अगर आपके रिफ्लेक्स अच्छे हैं, फिटनेस अच्छी है, फिर भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपका जो जो रेंज वाला शॉट है, तो एक दो चीज़ें हो सकती है कि वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं बना है, वो रेंज वाला शॉट वो लेवल तक नहीं गया है कि आप आंखें बंद करके, मतलब लिटरली आंखें बंद करके नहीं, पर आंखें बंद करके आप मार सकते हो, आपको वहाँ बॉल मिला तो वो आप बाहर ही पहुँचा दोगे, वो कवर्स के ऊपर से चौका ही मार दोगे, बॉलर्स बैक चौका ही मार दोगे, या फ्लिक में छक्का ही मार दोगे, जो भी है, तो वो डेवलप करने, पूल में छक्का ही मार दोगे, वो डेवलप करने के लिए आपको किलर इंस्टिंक्ट डेवलप करना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रांगली ट्रेन करना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या रहता है ये भी आपको बता देता हूँ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड रहता है। कॉन्शियस माइंड में जैसे कोई भी चीज़ नहीं सीख रहे हैं, आप नहीं सीख रहे हैं इन द सेंस कि कोई शॉट नया सीख रहे हैं, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से होते हुए सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। कॉन्शियस मतलब जो आपको कॉन्शियसली बोलते रहना है कि नहीं यार इसकी प्रैक्टिस कर, इसकी प्रैक्टिस कर। जैसे अगर मैं स्वीप शॉट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे को बोलना है कि नहीं ऐसी बैट आनी चाहिए, ऐसी बैट आनी चाहिए, ऐसा पैर यहाँ आना चाहिए, पैर आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ मैं, वो कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ कि नहीं वैसे कर, वैसे कर, वैसे कर, या ऐसी प्रैक्टिस करना है, ऐसी टेक्निक है, ये सारी चीज़ें जो भी उसके ट्रेन करने का तरीका है। और वो करते 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 इतना ज़्यादा करना है, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बॉल रहोगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा करोगे, तो वो ज़्यादा करोगे तब आपका वो जो शॉट है वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, फीड हो जाएगा। तो आप अगर समझ लो महीना भर भी प्रैक्टिस नहीं किए, फिर उसके बाद वापस आके महीना भर, साल भर भी प्रैक्टिस मत करो आप, फिर वापस आके महीना भर प्रैक्टिस करो, आपका वो शॉट कहीं नहीं जाएगा, वो इतना अच्छे से ट्रेन हो चुका है, जो ओवर द ईयर्स आपने अगर ट्रेन किया, बराबर सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया, स्ट्रांगली फीड कर दिया, तो वो कहीं नहीं जाएगा शॉट, वो परमानेंट आपके हमेशा रेंज में रहेगा, आप उसको बराबर एग्जीक्यूट कर पाओगे। या सबकॉर्स यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रैक्टिस में नहीं हो और एकदम से, वो बहुत मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस, मसल मेमोरी थोड़े से वीक हो रहते, पर अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है गाइस की प्लास्टिक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉल में प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस कीजिए, अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रेन कीजिए गाइस, और फिर देखिए कि आप क्या मैजिक कर सकते हो। तो प्रैक्टिस वगैरह और एक चीज़ की, जैसे अब मैं प्लास्टिक के बॉल है तो ये सीमेंट विकेट है, सीमेंट विकेट अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा रबर के बॉल, अगर रबर के बॉल रहे तो रबर सीमेंट विकेट पे कर सकते हैं, पर वही हमेशा टफ विकेट अवेलेबल नहीं रहती है, लेदर बॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा टफ विकेट हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि ये बॉल जो अलग अलग तरीके के, सस्ते भी रहते हैं, ज़्यादा अलग तरीके के यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी फ़ायदा रहता है, और लेदर के बॉल अफोर्ड कर सकते हो, और आपकी इतनी लेवल है कि आप 100-200 लेदर के बॉल अफोर्ड कर सकते हो, और आपको ख़राब होने का डर नहीं है, तो आप लेदर के बॉल भी यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सरफेसेस पे प्रैक्टिस कीजिए, कंडीशन का अलग अलग फ़ायदा मिलेगा, और सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ट्रेन कीजिए, और फिर देखिए गाइस मैजिक होगा आपके साथ बैटिंग में, जब आप शॉट्स खेलोगे तो आपको फील होगा कि यार नहीं मैं अच्छा अलग लेवल पे बैटिंग कर रहा हूँ। तो वो आई एम श्योर कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और उस तरह से आप ट्रेन करोगे। ये प्लास्टिक के बॉल है, प्लास्टिक के बॉल आपको अगर ये ख़रीदने 50 ग्राम के, तो बहुत जगह अवेलेबल नहीं थे, बहुत लड़कों ने बोला कि भैया आपने कहाँ से लिए। तो अगर आपको प्लास्टिक के बॉल ख़रीदने हैं तो मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिए, या तो व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, और टाइम लीजिए, बात कीजिए मुझसे, एक टाइम प्रॉपर लेके बात कर लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग भी अगर करना है, बहुत सारे लड़के मेरे साथ ऑनलाइन कोचिंग के लिए जुड़े हैं, बहुत सारे लड़के ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आ रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग भी करना है तो भी पता कीजिए कि कैसे, उसके बारे में क्या है। और ऑनलाइन कोचिंग का भी अगर आपको ज्वाइन करना है, आप इतने दूर नहीं आ सकते हो मेरे अंडर कोचिंग करने को, तो वो भी जान लीजिए। मैं सिर्फ लिमिटेड एंट्रीज ले रहा हूँ, लिमिटेड एंट्रीज इसलिए क्योंकि मैं खुद एक्टिव क्रिकेटर हूँ, तो ज़्यादा लड़कों को ले नहीं सकता, लिमिटेड लड़कों को लेता हूँ जो सिंसियर है, जो हार्ड वर्किंग है, सही में दिल से मेहनत करते हैं, तो उनको ही लेता हूँ मैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो वो भी एक पहले व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कीजिए, और फिर मेरा टाइम लेके प्रॉपर, क्योंकि मेरा शेड्यूल पैक रहता है, ऐसे मैं कोई भी समय फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ, तो आप वो टाइम लेके मुझे कॉल कीजिए, मैं अच्छे से आपको फ़ोन पे समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, पूरे दोस्तों में, अपने क्रिकेटर फ्रेंड्स में पहुंचा दीजिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, ताकि ये चैनल ग्रो हो पाए,
मैं आप तक और वीडियो ला पाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।